चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर किया। नक्सलियों के पास हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और मध्यड़ थाने के बद्देपारा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सतीश से ज्यादा जानकारी लेने के। सतीश, जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, सरकार लगातार माओवादियों के खिलाफ, नक्सलवादियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, जगह जगह जो है मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, ठीक उसी तरह बीजापुर में फिर एक बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, बीजापुर के मध्यड़ थाना क्षेत्र के बद्देपारा के जंगलों में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक महिला समेत दो माओवादी मारे गए। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से माओवादियों के शवों के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ में मारी गई महिला माओवादी की पहचान मनीला के रूप में हुई है, जो माओवादी संगठन में डीवीसीएम डिविजनल कमेटी मेंबर पद पर कार्यरत थी। मनीला पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित रहा। यह मुठभेड़ बीजापुर के मध्यड़ थाना क्षेत्र के बद्देपारा के जंगलों में हुई है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने जंगलों में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाबी में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। मुठभेड़ में दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गोलीबारी चलती रही, जिसके बाद मनीला समेत दो माओवादी ढेर हो गए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।